नगर निगम के प्रवर्तन दल की टीम को बुधवार को बड़ी कामयाबी मिली है। प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल सीपी सिंह की टीम ने राजघाट थाना क्षेत्र के बर्फखाना रोड से 25 कुंतल प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त किया है, जिसके संबंध में प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने बताया कि प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ नगर निगम के प्रवर्तन दल की टीम द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सफलता भी प्राप्त हो रही है, लेकिन इसका कारोबार बंद नहीं हो रहा है। जनता से अपील है कि प्रतिबंधित पॉलिथीन का इस्तेमाल ना करें, कपड़े के थैले लेकर घर से बाहर सामान लेने के लिए निकलें। इस मौके पर नगर निगम के प्रवर्तन दल के टीम के सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने बताया, ये खाली चल रहा है, कोरोना का माहौल चल रहा है, होम लॉकडाउन। एक्चुअली पॉलीथीन के खिलाफ हम लोग निरंतर अभियान चलाते हैं। ईटीएफ हमारी जो टीम है, हम हमारे जो ईटीएफ के सदस्य हैं, जितने भी हमारे हैं, ये हम लोग टीम लीडर्स हैं, स्क्वाड कमांडर्स हैं और मैं इंक्लूडिंग मैं, हम लोग रोज इसके खिलाफ अभियान चलाते ही रहते हैं। अभी बीच में कुछ कोविड का की ये महामारी आई, जिसमें हमारी टीम पूरी राजघाट पर थी और आज भी है वहाँ पर, तो हम लोग उसी ड्यूटी में जा रहे थे, तो हमारे सदस्य ने इसको एक ठेले को नोटिस किया। एक बर्फखाना जगह है जहाँ पर ये ठेला हमको ले जाते मिला, और हम लोग को एक्चुअली क्या, व्यापारी बहुत धोखा देते हैं। धोखा कैसा देते हैं, ऊपर पॉलीथीन की बोरी कुछ होती है, अंदर कुछ होती है और अंदर पॉलीथीन होती है। तो ऊपर जो था वो कामधेनु चारा होता है, आज उत्तम चारा था और पतंजलि का था, तो पतंजलि का जो भी बोरी देखेगा तो उस पर हाथ डालेगा नहीं, क्योंकि पतंजलि एक बहुत बड़ी कंपनी है, मानी जानी कंपनी है, और उत्तम पशु आहार भी एक बहुत बड़ी कंपनी है। अब चूँकि हम लोग इस फील्ड में हैं और हमारी टीम को हर आदमी के बाद हम लोग बोरी देख के ही समझ जाते हैं इसमें पॉलीथीन है अथवा नहीं है, तो उसी के सिलसिले में एक हमारे सदस्य ने सुबह हमें बताया कि सर ऐसे ऐसे किया है, हमने को उसको लेके आप तुरंत आइए। तो हम नगर निगम चौकी पे उसको खड़ा किया हुआ है, अभी वो ठेले पे करीब 10 बैग हमारे पॉलीथीन है, उसमें 25 केजी का एक उसका वेट है और करीब 2.5 क्विंटल ये पॉलीथीन है अभी तक। और हमने उस जो ठेला चालक था, चूँकि गरीब आदमी, हमने कहा भैया आप कहाँ से रहे हो, तो पहले आनाकानी करने, बिकॉज मोडस ऑपरेंडिस, ये इनका काम करने का तरीका ही यही है कि आप कम से कम इन्फॉर्मेशन दो और कम से कम बताओ, सो दैट हमारा ना चलान हो पाए ना हम पकड़े जाएँ। तो अब चूँकि हम लोग इस फील्ड में हैं 1.5 साल हो गया और हमारे आदमी को हर एक के हम लोग दूर से समझ जाते हैं इसमें क्या है, और कोई हम लोग को धोखा नहीं पाते हैं। बीते कई दिनों में कि आगे मिर्चों की बोरी है, पीछे कुछ और बोरी है, आगे साइकिल का सामान है, पीछे कहीं और सामान है, किसी में कबाड़ है, किसी में लोहा है और पीछे पॉलीथीन है। तो आज ये जो मोडस ऑपरेंडी इनकी हमें पता अच्छी तरह से पता है। अभी यश चक्रवात आया था और हमारे यहाँ शहर में करीब 270 के आसपास नाले, बड़े नाले, छोटे नाले, मझले नाले और नाली हैं। ऐसी कोई भी नाली नहीं और कोई भी नाला नहीं था जहाँ पे इस पॉलीथीन की वजह से चोक ना हुआ। नगर आयुक्त साहब स्वयं गए थे, हमारे अपर नगर आयुक्त गए थे, नगर आयुक्त साहब गए थे, जोनल ऑफिसर्स गए थे, मैं गया था और तमाम जितने हमारे सफाई इंस्पेक्टर्स हैं, ये सारे के सारे जो बेचारे कर्मचारी हैं नीचे, हर आदमी इस पॉलीथीन से परेशान है और हमारे और जिस शहर के जितने आदमी हैं वो परेशान है, बट कोई छोड़ने को तैयार नहीं है, कोई पहल करने को तैयार है। नगर निगम ने पहल की और नगर निगम को गाली देना बड़ा आसान है कि ये काम नहीं करते हैं, और जब नगर निगम काम करे तो मुसीबत, ना काम करे तो मुसीबत। तो नगर निगम तो अपना दायित्व निभा रहा है, बट जो पब्लिक है और जो व्यापारी हैं ये अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं। इनको चाहिए इस पर पूर्ण प्रतिबंध करें, आगे से सामने आए और सामने आके नगर निगम का क्या, अपने गोरखपुर जो कि मानावा शहर इस समय उत्तर प्रदेश का है और इतनी यहाँ पे बढ़ोतरी हुई, इतना विकास हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना बढ़िया बढ़िया योजना दी, तो अब उनका भी सपना है कि हमारा गोरखपुर अच्छा बने और एक ऐसा स्थान देश में रहे कि जो एक मॉडल के रूप में गोरखपुर आए, बट नहीं हो पा रहा है। इसमें कोई साथ नहीं दे रहा है, पब्लिक तो है झूला लेके चलने को तैयार नहीं है, व्यापारी है पॉलिथीन पे बैन करना नहीं चाहता है क्योंकि इसमें आधा का मुनाफा है, 120 किलो का है वो 190 में बेचते हैं, तो एक लंबा मुनाफा का खेल है, उसमें कोई सामने आना नहीं चाहता है, पुरानी पद्धति कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहता है। तो जिस दिन ये कर लेंगे, हमें आई एम वेरी श्योर कि ये इतना बढ़िया शहर बनेगा कि मतलब कि मिसाल कायम करेगा, और हम निरंतर उसमें प्रयासित हैं। जहाँ तक हमको सफलता मिलती है हम लोग लगते हैं, दौड़ते भागते हैं, क्योंकि अभी काम हम लोग राजघाट पर हमारी टीम है, पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं, आए दिन अतिक्रमण होता है, कहीं यहाँ होता है और टीम लगी रहती है, और हम लोग का प्रयास निरंतर जारी है।